एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो कल दोस्तों मैंने इसे अपडेट किया था इंस्टा पर और स्टोरी में। सो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि दीदी, एक तो इतना खूबसूरत सिलवट्टा हमने कभी देखा नहीं, और कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि ये सिलवट्टा कब चट्टान ज़्यादा लग रही है। सो चट्टान नहीं है भाई, सिलवट्टा ही है। इसे हमने जो है वो अच्छे खासे प्राइस पर जो है वो बाय किया है। सो ये जो है, पहले जो सिलबट्टे होते थे वो भी लगभग ऐसे ही होते थे, बस वो दूसरे पत्थर के हुआ करते थे। ये स्टोन में, वो स्टोन में नहीं होते थे। क्या आप जानते हैं इस पत्थर के बारे में? कुछ गौरा पत्थर टाइप का, जो डस्ट टाइप का पत्थर होता था ना, वो बलुआ पत्थर होते थे। बलुआ पत्थर अपने यहाँ कहते होंगे ना, और जगह पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो बलुआ पत्थर जो एक अजीब सा बेज कलर होता था, उसका आता था। सो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, पता नहीं क्यों। मेरे पास एक पुराना था भी, मैंने उसको ना किसी को दे दिया। सो मुझे नहीं याद है मैंने किसको दिया है। सो हस्बैंड बोले कि नहीं, एक्चुअली उनको चटनी थोड़ी सी पसंद है ज़्यादा। सो और भी कई सारे काम में आ जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पिसती हैं। इस पर आप मूँग की दाल पीस कर फिर मंगौड़ियाँ बनाइए, और ये बहुत ही पारंपरिक चीज़ है। जिन जिन लोगों ने इस पर काम किया है ना, उनके हाथ आज भी इतने मजबूत हैं कि एक किसी को दे दिया जाए प्रसाद तो बस उसकी ज़िंदगी एकदम सुधर गई है, ऐसी स्थिति है। सो भाई, ये सब काम जो है, जब हम हाथों से करते ना, हमारे हाथ बहुत मजबूत होते हैं इनसे, और पुराने ज़माने में यही सब चीज़ें थी। दूसरा, इसका पारंपरिक मान्यता ये है, ये सब चीज़ें आपके किचन में होनी ही चाहिए। अब हम वास्तु की तरफ चलते हैं, तो हम बात करते हैं। सो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है साइंस की तरफ से। अगर हम आपके वास्तु की तरफ से अपने तरफ आके बात करें, तो ये है कि ये हमारे घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को जो है वो रखते हैं। इनकी आवाज़ घर की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है। जी हाँ, जब हम सुबह शाम इस पर चटनी पीसते हैं और इससे जो आवाज़ निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, उसके जो वाइब्रेशन होता है, वो आपके घर की निगेटिविटी को पूरी तरीके से दूर कर देती है। मैं देखती हूँ आजकल ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है, दीदी हमारे घर में बहुत निगेटिविटी है, दीदी हमारे घर में समस्या है। क्यों नहीं होगी? उसके पीछे का कारण भी तो हम ही हैं, तो ज़रूर होगी। सो इन चीज़ों को ध्यान रखें। सो मैंने तो फिलहाल ये वाई किया, और ये मुझे एक्सपेंसिव थोड़ा सा पड़ा है, लेकिन चूंकि खूबसूरत था। सो कभी कभी चीज़ें मन की मिल जाती है ना, सो प्राइस वाइस फिर बहुत मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग कह रहे थे हमारे यहाँ इसकी पूजा ही नहीं होती, दीदी आपने इसकी पूजा क्यों की? मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट शेयर की थी, तो उसमें मैंने पूजा की फ़ोटो डाली थी। फिलहाल मैं आपको इसकी पूजा करके नहीं दिखा रही हूँ, चूँकि हमारे यहाँ इसकी पूजा पुरुष करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, पता नहीं कैसे, मतलब आप कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ पूजा नहीं होती, पता नहीं कैसे नहीं होती। मैं आपको बताऊँ, जब हमारे यहाँ नया जोड़ा नव विवाह के बंधन में बंधने जाता है, तब इसका पूजन सर्वप्रथम होता है। और यही नहीं, वो जो चकिया होती, जो ऐसे गोल गोल चलती है ना, जो हम आटा पीसते थे, चक्की कहते हैं उसको, ठीक है, जतला भी कहते हैं उसको। हाँ, तो सिल, जतला, मूसल और चक्की, इन सब का पूजन सर्वप्रथम होता है। इनफैक्ट मार्केट में तो, अब चूंकि पुराने घरों में ये मिल जाता था, आमतौर पर सब घरों में नहीं होता, तो छोटे छोटे भी मिल जाते हैं। मैं अपनी शादी का दिखाऊंगी आपके पास, मेरे पास रखा है छोटा वाला, है ना, चक्की, जतला सब रखा हुआ है मेरे पास, इतना इतना छोटे छोटे टॉय के रूप में रखा हुआ है वो, चूँकि शादी का तो संभाल के रखा हुआ है। सो हमारे यहाँ तो जब नव विवाह का जो है वो शुभारम्भ होता है, मतलब नए वर वधु अपने शादी की शुरुआत करते हैं, तो सर्वप्रथम उसका पूजन होता है। लड़की वाले के यहाँ अलग और लड़के वाले के यहाँ अलग, और पूरे विधान के साथ उस पर उड़द की दाल भिगो के, वो दाल पीस कर उसकी पकौड़ियाँ तली जाती हैं, वो शुभ माना जाता है। सो चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया पूजा। पूजा अगर आपको जैसे करनी है तो कुछ नहीं, आप इसको बढ़िया से साफ पानी से धो दीजिए, गंगा जल का छीटा लगा दीजिए, धूप दीपक दिखा दीजिए, कुमकुम लगा दीजिए, कलावा बांध दीजिए, और सर्वप्रथम इस पर क्या पीसा जाता है, आप इस पर गुड़ और चावल एक साथ पीछिए। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें माँ लक्ष्मी को जो है वो समर्पित होती हैं और धन संपत्ति के प्रतीक मानी जाती हैं। गुड़ इसलिए, चावल इसलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी के लिए है, और गुड़ इसलिए चूँकि वो मीठा होता है, और अपने रसोई में किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो मीठे से करते हैं, और बाद में उसी गुड़ को हम लोग प्रसाद के रूप में परिवारजन बांट के खा लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने खाया था, है ना। अब चलिए करते हैं हम इसकी बात। ये ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन का है, बहुत खूबसूरत है, और आप देखें फिनिशिंग, इसे आराम से उठाया जा सकता है, मैं उठा लेती हूँ। ये तो मैंने इसके पीछे, देखिए हटाना जरा ये कागज, ये देखें इस टाइप का ब्लैक स्टोन का है ये। सो मैं इसे इजीली उठा लेती हूँ, चूँकि मैं अपने घर के सभी काम खुद करती हूँ,
मेरे घर में कोई हाउस हेल्पर नहीं है ना, हस्बैंड ने बहुत बार बोला कि श्रेया लगा लो। सो डिशवॉशर भी हमारे यहाँ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मजे की बात कि हमारा डिशवॉशर कभी कभी तिज त्यौहार के हिसाब से इस्तेमाल होता है। मैं बर्तन भी हाथ से धोना ही पसंद करती हूँ, सो सारे काम ऑलमोस्ट मैं खुद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं जो है वो और बड़ी चीज़ जानते हैं कि हाउस हेल्पर से मैं काम नहीं करवा सकती, मुझसे नहीं हो पाता। हमारे यहाँ एक आती है, मैं उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट देती हूँ जैसे कि वो हमारी पहचान वाली, तो मैं उनको वो ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकती, मुझसे वो व्यवहार ही नहीं हो पाता है। इसमें बेहतर चीज़ क्या है, इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी चटनी पीसिए, चटनी का जो भी ओवर लेफ्ट गिरेगा, वाटर वगैरह है या कोई मसाला है, वो बहेगा नहीं आपके काउंटर टॉप पर, यहाँ नहीं बहेगा, इसमें आएगा। और इसके थ्रू आप इसमें यहाँ पे एक प्लेट लगा लीजिए, नीचे बहुत बड़ा स्पेस है, यहाँ पर आप प्लेट लगा लीजिए, तो जो भी मटेरियल है आपका वो प्लेट में ही गिर जाएगा। ठीक है, मैंने इसे यूज़ करके देखा, इसलिए मैं आपको उसको बारे में बता रही कि आप इसे बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप इसके टकने की बात करें, ये बहुत फाइन तरीके से टका गया है, 10-12 साल तो आपको इसके ऊपर एक भी जो है वो छेनी लगवाने की ज़रूरत नहीं है, 10-12 साल बता रही हूँ मैं आपको। और इसके साथ जो इसके पीसने वाला है वो बहुत बड़े साइज़ का, सो इसका साइज़ जो है वो यहाँ से मेज़र किया जाएगा, पूरा पूरा 15 इंच का जो है वो हमें मिला है, 15 इंच ही लिखा था डिस्क्रिप्शन में भी, 15 इंच ही लिखा था, सो हमने बड़े साइज़ का बाय किया है। क्योंकि होता क्या, देखिए मैं एक बात और कह दूँ, कभी भी मैं कोई चीज़ खुद नहीं खरीदती हूँ, खुद से नहीं खरीद पाती हूँ, कोई छोटी सी भी चीज़ अगर मैं पसंद करती हूँ तो मेरे हस्बैंड से उस पर डिस्कस ज़रूर होता है, फिर जब वो राय देते हैं तो ही कोई चीज़ मैं जो है वो लेती हूँ। सो ये दो साइज़ में अवेलेबल है, इसका एक और साइज़ था जब मैंने उसके बारे में हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड ने बताया वो साइज़ बहुत छोटा है श्रेया, उस पर चटनी तो नहीं पिस सकती, तुमको ऐसी मंगाना हो 100 पीस के लिए तो मंगा लो। तो खैर हमने उसे फिर वहीं पर ड्रॉप किया और फिर बड़ा साइज़ जो है वो ऑर्डर किया, और यहाँ से जो है वो ये पूरा 9 इंच है, ये देखें। सो इसकी ये चीज़ जो है वो 9 इंच है, जो कि सफिशिएंट है, ये चीज़ थोड़ी लंबी होनी चाहिए, सो ये चीज़ 15 इंच है। अगर हम इसकी बात करें जो इसके पीसने वाला है, ये देखें पूरा बट्टा, इसको कहीं कहीं बट्टा कहते हैं, कहीं कहीं लोड़ा कहते हैं, कहीं कहीं लुड़िया कहते हैं, जो भी कहते हैं भाई, देखिए तो अपने अपने आप पर निर्भर है। चूँकि हिंदुस्तान की तो एक कहावत वो भी है, क्या बोलते हैं, कोस कोस पे बाणी बदले और 3 कोस पे पानी, सो 3 कोस चलने का पानी का स्वाद बदल जाता है, और हर एक कोस पर जो है वो भाषा, हाँ ज़्यादातर मैं चीज़ें उल्टा ही करती हूँ। हमारे घर में मेरे गाने गाने पर मनाही है, चूँकि मैं जो गाने गाती हूँ ना उसके बाद सब चढ़ जाते हैं, सो गाना गाने पर भी मनाही है। सो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया मैं दिखाऊँ, तो ज़्यादातर मैं चीज़ें उल्टा बोल देती हूँ, गाने विशेषकर से, कहावतें मुझे याद नहीं रहती चूँकि। सो इसका जो साइज़ है वो इससे काफ़ी बड़ा है, और ये देखें यहाँ से शुरू करते हैं और पूरा पूरा जो है वो 13.5 ज़्यादा 14 इंच के आसपास जो है उसका साइज़ है। ये जो पीसने वाला भी है ना, ये बहुत अच्छी है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। अभी इस पर ना हमने चटनी पीसी थी, आप इस पर पीसने से पहले, अगर आप बिगनर हैं इसके बारे में तो मैं बताऊं, पीसने पहले इसे अच्छे से एक बार धो लें, एक दो बार चटनी वटनी पीस लें, उसे यूज़ ना करें, चूँकि इसमें ना इसका जो मिट्टी के कुछ कण हैं, स्टोन में कुछ कण निकलेंगे अभी, वो निकलेंगे तो वो कसक आपको रहेगी और वो खाने में जो है वो आपके आएगा। सो अभी मैं तो इसे नहीं चला पाती, मैं सच आपको बताऊं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे, सच ये है कि मैं अभी इसे नहीं चला पाती हूँ, अभी इसे हस्बैंड चलाएंगे, सो इसका जो एक्स्ट्रा मट्टी वट्टी है वो सब निकल आएगी। और इसको ना ऐसे चलाना होता, ऐसे लड़ते हैं, ऐसे रख के ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं, मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। कल हस्बैंड ने चटनी पीसी थी, हमने खाई, बड़ा टेस्ट था उसमें, और मैंने सीख लिया है, मैं एक दो बार में और देखूंगी, आज जैसे मैं देखूंगी तो मैं कल इस पे चटनी पक्का पीस लूंगी, मैं जानती हूँ, है ना, मैं कल देखूंगी, मैं आज और देख लूंगी अच्छे से, तो मैं इस पे पीस लूंगी। आप इसे काउंटर टॉप पे रखने से पहले एक कपड़ा ज़रूर बिछा लें, चूँकि नीचे अगर काउंटर टॉप पे अगर स्टोन होगा तो स्टोन स्टोन से मिलके खिसकेगा, ये ग्रेनाइट पर है तो ज़्यादा तेज़ी से खिसकेगा, और ग्रेनाइट में एक अपनी क्वालिटी होती है, वो मैग्नेटिक जो है वो चीज़ तैयार कर लेता है तो चिपक जाता है, सो वो भी दिक्कत करेगी। तो नीचे क्लॉथ बिछा लें, इसके साथ ऐसे आता है उसको बिछा लें आप, तो ये आपको बढ़िया काम देगा। और मैं बड़ी बात बताऊँ आपको, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से आई थी, जो कोरियर बॉय लेकर आया था उसने भी बहुत अच्छे से मतलब कहा कि भाई अकेले मत उठाइएगा, दो लोगों को साथ में लेकर आइएगा, जबकि इसके डिलीवर्ड सुबह ही दिखा रहा था मुझे, शाम को रिसीव हुआ, इसका मतलब इसका वेट अच्छा खासा था। और सही बात है, इसका वज़न है लेकिन उतना नहीं है कि उठाया ना जा सके, भाई कोई अच्छी चीज़ खानी है आपको अपनी सेहत के लिए तो थोड़ी मेहनत तो जो है वो
करनी पड़ेगी। सो ये मैंने कहाँ से बाय किया ये बता दूँ, मैंने इसे अमेजोन से बाय किया है, आपको ये वहीं पर मिल जाएगा, बाकी आप देख लीजिएगा किसी और ऑनलाइन साइट पर तो मैंने इसे नहीं देखा है, या आप इसकी फ़ोटो लेके आपके यहाँ कोई कारीगर ऐसे हैं तो आप खुद जो है वो तैयार करवा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ ये नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपकी मॉड्यूलर किचन है तो उसके लिए आपको कुछ खूबसूरत सा आइटम चाहिए। सो ये है बहुत सुंदर, मैं इसे अंदर तो नहीं रखने वाली, इतना सुंदर है ये यहीं रहेगा। सो चूँकि अभी किचन का काम कम्प्लीट नहीं हुआ, बहुत सारे लोग बोलते हैं काम तैयार हो गया नहीं जी अभी नहीं हो पाया। हाँ चिमनी लग गई है, हॉब लग गया है, नल फिटिंग्स हो गई हैं और सिंक लग गया है, सो इस तरीके के काम हो गए हैं। काम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आप सब जानते हैं घर में इतनी शादियां हैं कि मैं जाती हूँ भाग आती हूँ, फिर हमारा इस वजह से काम रुक जा रहा है। सो अभी 5 तारीख के बाद जो है वो फिर काम लगेगा और मुझे लगता है वो रेगुलर रहेगा क्योंकि उसके बाद 18 तक हमारे यहाँ शादी नहीं है, 18 को एक शादी है, सो उस बीच थोड़ा सा मौका मिल जाएगा लंबा। सो इसीलिए मैंने इसे मंगाया, मैं इसे यहीं रखूँगी। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, स्टोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने एक दिन इस पर चटनी पीस के देख लिया, सो उसके बेसिस पे इतना तो बताया जा सकता है। और वेट है, सो वेट के हिसाब से जो है वो ठीक है। अब बात करें पैसे की तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पैसे वसूल कर लिए। ये कटिंग जो इसकी है ना ये बहुत अच्छी है, आपका ओवरलिप बाहर नहीं गिरेगा, उससे आपका काउंटर टॉप हमेशा क्लीन रहेगा और जो और मार्केट में मिलते हैं उनके साथ वो चीज़ नहीं है। सो ये मुझे जो है वो 2500 रुपये का पड़ा है, आप इसको 3000 में भी ले सकते हैं, ये कभी कभी ऑफ में भी आ जाता है। जी हाँ, सो कभी कभी ऑफ में आता है, कभी कभी जो है इस पर 200-300 रुपये कम भी होते हैं, बल्कि मैक्सिमम जो इस पर जो है वो 3000 रुपये प्राइस है। और इसका जो छोटा है वो इससे आधे प्राइस का है, 1500 या 1600 रुपये का है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी आप छोटा वाला साइज़ मत लीजिएगा, आप कोशिश करके बड़ा ही साइज़ लीजिएगा, ये साइज़ बहुत अच्छा है इसका। लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। और साइज़ के लिए मैं छोटे वाले को आप गलती से भी मत लीजिएगा, एकदम से पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। सो छोटे साइज़ को अवॉइड करिएगा, लेना चाहते हैं तो ये साइज़ ले सकते हैं, बहुत सही चीज़ है आपके किचन के पर्पज़ से, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, क्यों है कि नहीं। आपने चटनी पीस के देखी, आपको कैसा लग रहा था? अच्छा है। और पता वो जो अजीब से दिखते हैं ना सिलवट्टे, उनसे ज़्यादा तेज इस पर चटनी पीस गई है ना, बहुत तेज, 2 ही मिनट लगा। कुछ लोग मुझे कह रहे थे इसके लिए पीसने के लिए बाहुबली चाहिए, बाहुबली नहीं हम ही लोग पीस लेंगे, बाहुबली के लिए थोड़े बड़े बड़े काम रहने देते हैं, भीम जितनी ताकत चाहिए। अरे भीम जी कहाँ चटनी वटनी पीसेंगे, हम ही लोग पीस लेंगे, ये सब काम हम ही कर लेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लें, वहाँ पर मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।